वेलकम बैक टू सैफ एडू टीवी। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनंसिएशन ऑफ सी, मतलब सी का उच्चारण। अब सी का उच्चारण बहुत से जगह पे कभी कभी सी को का पढ़ते हैं, कभी कभी सी को सा पढ़ते हैं और कभी कभी सी को चा पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सी को कब का पढ़ा जाता है, यानी सी का उच्चारण कब का में के जैसा होता है। तो जब भी सी के बाद ये सारे अल्फ़ाबेट्स अगर आते हैं तो सी को हम लोग का पढ़ते हैं। सी के बाद ए ओ यू एल आर एच ई आता है तो सी को का पढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल सी ए टी कैट, उसके बाद सी ओ ए टी कोट, फिर सी यू टी कट। तो ये जो एग्ज़ाम्पल अभी मैं हम लोग लिखा है उस एग्ज़ाम्पल को अगर देखेंगे तो सब में सी के बाद ए, सी के बाद ओ, सी के बाद यू आया है। उसी तरह क्लीन क्रीम, केमिस्ट्री केमिस्ट, केमिस्ट्री और केमिकल। अब इनमें भी देखेंगे तो सी के बाद क्या है, एच ई है, ठीक है। तो यहाँ पर सी सब सबके साथ में सी का उच्चारण का होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सी का उच्चारण सा के लिए कैसे होता है, सी को हम लोग सा कब पढ़ते हैं। तो जब भी सी के बाद ई, आई या फिर वाई आता है तो हम लोग सी को सा पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल सेंटर, सी के बाद ई आता है। उसी तरह से सिटी, सी के बाद आई। उसी तरह से साइकिल, मतलब सी के बाद वाई। तो इन सब में सी को हम लोग सा पढ़ रहे हैं, सेंटर, सिटी और साइकिल। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल जो है हम लोग देखेंगे सी का उच्चारण जो कि है चा के जैसा। सी को हम लोग कब चा पढ़ते हैं, तो जब भी सी के जस्ट बाद, सी के बाद अगर एच ए है, एच ओ है या फिर एच यू है या एच आई आ रहा है तब हम लोग सी को चा पढ़ते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे चेंज, सी के बाद एच ए आ रहा, सी एच ए एन जी ई चेंज, तो सी को हम लोग चा पढ़ेंगे। उसी तरह सी के बाद एच ओ आएगा, जैसे चॉकलेट, तो सी को चा पढ़ें। उसी तरह सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन, तो सी के बाद एच आई आया तो इसमें हम लोग सी को चा पढ़ें। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।